ग्वालियर के डबरा में एक नवविवाहिता को दहेज में कार और 3 लाख रुपए। 28 जून को पीड़िता को पिलाया गया एसिड। उसके बाद भी पुलिस ने 3 जुलाई को एफआईआर दर्ज की। वह भी मारपीट जैसे मामूली धाराओं में। वहीं जब दिल्ली महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद खुली और आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई गई। तत्काल अपराध कायम कर दिया था। 464, 398, 323, 3, 4 दहेज प्रतिषेध कर दिया गया। फिर जब उसकी कथन नहीं हो पाया तो पता चला कि महिला दिल्ली रेफर हो गई। यहाँ से एक पार्टी दिल्ली रवाना कर दी महिला के कथन लेने के लिए। वहाँ पे उसके कथन कराए और कार्यपालक दंडाधिकारी डीडी कराई। वहाँ उसने कथन दिए कि दहेज के लिए उसकी नंद, उसका पति और जेठानी प्रताड़ित करते थे एवं इसी से उसके पति ने उसको कोई जहरीली चीज पिला दी जिसमें उसकी भाभी मिथिलेश का सहयोग किया। ऐसा उसने वहाँ अपने नृत्यपुर कथन में कार्यपालक दंडाधिकारी को बताया। कितनी तारीख की घटना थी? घटना 28 तारीख की थी। अपने उसकी माँ रिपोर्ट करने आई 3 तारीख। तब से लेकर अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं। आज महिला आयोग के अध्यक्ष दिल्ली ने ट्वीट भी किया इस मामले को लेकर। क्या कहते उस समय धारा 498 23 का प्रकरण बताया था उसकी माँ ने प्रथम दृष्टया। तो उन्होंने ये स्वयं पीने वाली बात बताई थी, पिलाने वाली बात नहीं बताई थी। ये बात कल पिलाने वाली बात सामने आई है मजिस्ट्रेट के बयान पे महिला। फिलहाल क्या मामला दर्ज किया है और अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या है? इसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी, अपराधी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और वहाँ पे उसका पति वहीं था दिल्ली में, पुलिस ने गिरफ्तार करने की गई प्रयास किया तो उसकी महिला के पिता ने कहा कि अभी इलाज करा रहा है इसलिए गिरफ्तार नहीं करेंगे।